पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन प्रबल दावेदार के तौर पर जेएमएम के हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जो तमाम वादे हेमंत सोरेन की ओर से किए गए हैं, चाहे वो आदिवासियों को लेकर हो, 43 सीटों पर आज जो मतदान हो रहा है उस मैनिफेस्टो पे अहम तौर पर आदिवासियों को रोजगार देने का जिक्र किया गया है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की, जो अपनी पत्नी के साथ इस वक्त वोट डालने रांची पहुंचे हैं। 43 सीटों पर वोटिंग चल रही है, हाई प्रोफाइल सीट्स भी हैं, कुछ कुछ सीटों पर हाई प्रोफाइल बड़े बड़े चेहरे आपने वोट डालते हुए से पहले देखे भी है। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो वोट डालने के लिए पत्नी के संग पहुंचे हैं। और हेमंत सोरेन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या जेएमएम सरकार रिपीट करेगी या नहीं, ये 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। झारखंड में दो फेजेस में, दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग आज चल रही है जिसमें 43 सीटें हैं। हेमंत सोरेन इसी कड़ी में रांची में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, ये तस्वीरें। हालांकि आपाधापी की स्थिति है वहां पर, थोड़ी बहुत झलक ही हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की दिखाई दे रही है। ये वो पोलिंग बूथ है जो अब वीआईपी श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद पूर्व सीएम वोट डालने पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा, करंट सीएम वोट डालने पहुंचे हैं। और पत्नी के साथ ये मतदान हेमंत सोरेन का इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 38 सीटों में अगले चरण में मतदान 20 नवंबर को किया जाएगा। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, कुछ बातें क्या हेमंत सोरेन ने कही है वोट डालने से पहले, या फिर सीधे वोट डालेंगे उसके बाद कुछ कहेंगे? सत्यजीत को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन अब थोड़ी तस्वीर यहाँ पर साफ हुई है, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मौजूद। जो नियम उसी तरह से आ रहे हैं, अपना जो है उन्होंने नियमों के तहत अपना आइडेंटिटी कार्ड इत्यादि दिखाया है, पर्ची ली है। अब तस्वीरें देखेंगे और उसके बाद से अब वो ये पोलिंग स्टेशंस की तरफ आगे ईवीएम में बटन दबाएंगे, जो भी उनके मन में होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है, उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगे, फिर हमने देखा कि कैसे अपना पद छोड़ना पड़ा, गिरफ्तारी उनकी हुई, उसके बाद से दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं, फिर उनको कोर्ट से बड़ी राहत मिलती है, फिर से वापस मुख्यमंत्री का पद लेते हैं, फिर पार्टी में उन बड़े नेता चंपई सोरेन खासतौर पर जो है पार्टी का साथ छोड़ते हैं, और हेमंत सोरेन फिर इसी बीच में आप चुनावी कैंपेनिंग करते हुए एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा फेस खुद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वो जीत का दावा तो करें, लेकिन जीतेगा कौन, ये तो जनता तय करेगी। और जनता आज मत, अब देखिए तस्वीरें देखेंगे कि जो उनकी पत्नी है वो उंगली पर लगी हुई स्याही भी दिखा रही है। कल्पना सोरेन, जिनको एक वक्त पे सीएम बनाने की भी बात की जा रही थी जब हेमंत सोरेन जेल में थे। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, हेमंत सोरेन वोट डालेंगे और उसके बाद कुछ कहेंगे भी या नहीं? सत्यजीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कुछ हॉट सीट्स भी हम आपको झारखंड की दिखा रहे हैं। आज 43 सीटों पर मतदान है पहले चरण का, दूसरे चरण का 20 नवंबर को 38 सीटों पर है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त झारखंड में प्रमुख तौर पर छाए हुए हैं, उसमें आदिवासियों का मुद्दा है, उनके रोजगार का मुद्दा है, लंबे वक्त से वहां पर महंगाई का मुद्दा है, और किस तरीके से वहां पर अब हेमंत सोरेन पत्नी के साथ, ये पारिवारिक तस्वीर भी अभी आएगी इसके बाद जब दोनों अपने हाथ पर निशान दिखाएंगे। ये रांची का एक मतदान केंद्र है जहां पर इस वक्त झारखंड के सीएम अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, आप पोलिंग स्टेशन से बाहर की अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो बाहर की तरफ अब आते हुए, और हो सकता है कि मीडिया से बात भी करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, और बहुत सारे मुद्दे जो झारखंड की सियासत में सुनाई दिए, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो असल मुद्दे लोगों के, और बहुत सारे जो राजनेताओं की तरफ से गढ़े जाते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, माहौल बनाने के लिए। लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स क्रिएशन, ये वो इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे हैं जो आम लोगों के मुद्दे, आदिवासियों के अपने मुद्दे हैं, और अपने ही इलाकों में जॉब मिल पाना जो एक बहुत बड़ी समस्या है। और दावे हर राजनीतिक दल की तरफ से किए गए कि बेहतरी आपके लिए करेंगे, राज्य सरकार करेगी, हमने बहुत काम किया। इन सब बीच में अब जनता तय करेगी
कि किसके वादे किसके दावे उन्हें ज्यादा पसंद आए और उनके मन में कि उनका रुझान किस तरफ है। और 23 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन हेमंत सोरेन वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें